सर, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन से लगातार, कुछ दिन क्या मतलब महीने हो गए हैं, लगातार आप सभी के बीच नहीं आ पा रहा हूँ। और बहुत से आपके कमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हुए हैं, और अलग अलग प्रॉब्लम है आप सभी की। कई लोग के क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कब से होगा, कई लोग के क्वेश्चन है कि सर बोर्ड का क्या है, कि एग्जाम क्यों इतना लेट हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है आप सबके लिए। तो आज इस वीडियो में आप सभी को पूरा जो भी क्वेश्चन का, जो भी कंफ्यूजन है आप सबका, आज मैं क्लियर करूंगा। उसके पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना जल्दी आप सभी ने इतना प्यार दिया अपना, कि इतना जल्दी मैं 2K के कंप्लीट पहुंच गया हूं, मतलब कि 2000 के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये सब्सक्राइबर बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी जल्दी मैं 2000 के सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं, और ये सब आप सभी के प्यार का नतीजा है। और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट से पोस्ट भी किया था, नववर्ष की शुभकामनाएं मैंने आप सभी को दी थी। एक बार मैं फिर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज किस चीजों पे बात होगी। तो सबसे पहले मैं आज आयुष बोर्ड के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, उनको पता है कि जो आयुष का बोर्ड है उसका नाम बहुत ही पहले बदल करके बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कर दिया गया। पहले ये आयुष बोर्ड के नाम से था, पूरे इंडिया में आयुष बोर्ड के नाम से ही ये चलता था, लेकिन अभी फिलहाल इसका नाम हो चुका है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और जैसा कि जो लोग जानकारी लेते होंगे बोर्ड से, या जिनको बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको लास्ट में वीडियो के एंड में वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जिनका क्वेश्चन था कि सर एग्जाम कब तक होगा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो डी फार्मा कर रहे हैं या जो जीएनएम कर रहे हैं, उनका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि एग्जाम आप सभी के, जो भी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम अगर देखा जाए तो कोर्स आपका 2 साल का है। जैसे डिप्लोमा फार्मेसी जो कर रहे हैं उनका कोर्स 2 साल का है, जीएनएम जो कर रहे हैं उनका कोर्स 3.5 साल का है, 3.5 क्या 4 साल मान लीजिए। लेकिन एग्जाम अभी फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम नहीं हुआ, और अगर कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका 1.5 साल हो गया, और फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो देरी कहाँ हो रही है, कैसे देरी हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके बोर्ड के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका जो सिस्टम है इस समय थोड़ा सा बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, कह सकते हैं कि कछुए की रफ्तार से चल रहा है। जैसे काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, और कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप सभी को पता है, इसका जो मेन जो अधिकारी है, मेन जो ऑफिसर है, वो रजिस्ट्रार होता है, और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, दामोदार उसी के ऊपर है। तो अभी जो रजिस्ट्रार है वो है डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा, और उनके हिसाब से बोर्ड में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, और वो ये चाहते हैं कि एक पैनल का गठन किया जाए। और पैनल गठन करके, पहले ऐसा नहीं है कि पैनल का गठन बस आयुर्वेद विभाग में ही होता है, चाहे होम्योपैथ हो गया, एलोपैथ हो गया, सब में पैनल का गठन किया जाता है। और ये पैनल इसलिए गठित किया जाता है कि पैनल का गठन करके, और जमीनी तौर पे देखा जाए कौन सी संस्थाएं अपना काम सही से कर रहे हैं, कॉलेज जो भी एफिलिएशन लिए हुए हैं वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं, या एफिलिएशन लिया है तो किस तरह की एफिलिएशन है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए आयुष बोर्ड ये चाहता है कि जो भी फीस उनको मिल जाती है, पैनल की फीस जो दे दी जाती है कॉलेज के द्वारा, तो बस फीस ही न लेकर के जमीनी तौर पे ये निरीक्षण भी किया जाए कि वहां पे एफिलिएशन तो मिल गया तो उसके हिसाब से वहां पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए पैनल का गठन किया गया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, एलोपैथ वाले जो है वहां पे पैनल का गठन बस जो कॉलेज है जो एफिलिएशन लिए हुए हैं, बस पैसे भेज देते हैं और पैनल बना दिया जाता है, और जो भी जांच वगैरह है वो बस कागजी तौर पे हो जाता है, ये जमीनी जो कार्रवाई है ये नहीं होती है। तो इस बार जो रजिस्ट्रार है वो ये चाहते हैं कि जमीनी तौर पे जा करके संस्थाओं का जो लेखा जोखा है, संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उसको समझा जाए, क्या किस तरह से काम हो रहा है। तो ये सारी चीज है, लेकिन मेरा मानना है ये है कि
सारी चीजें सही हैं। आपको पैनल गठन करना है, पैनल गठन कर लीजिए। आपको जो भी चीजें करनी है, निरीक्षण करना है, जांच करनी है, जो भी चीजें करनी है आप कर लीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम की देरी मतलब आपके कोर्स ड्यूरेशन को जो दिखाया जा रहा है कि जो कोर्स 2 साल का है, जो कोर्स 3.5 साल का है, उसके हिसाब से देखें तो आपके कोर्स ड्यूरेशन में देरी हो रही है। और ये एग्जाम देर होने का मतलब है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है या अनुभव है या जो इंटर्नशिप है, सारी चीजें देर होने वाली है, आपको सर्टिफिकेट भी देर से मिलेगा। तो इस तरह की दिक्कत हो रही है। और एग्जाम की डेट के बारे में अगर अनाउंसमेंट अगर करें तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो प्रोसेस है कब तक होगा कोई पता नहीं है, लेकिन एक चीज है, सूत्रों के हवाले खबर मिली हुई है और ये हम लोग जुड़े हुए हैं तो हमें पता भी है कि एग्जाम जो है, आपके एग्जाम जितने भी लोग परेशान हैं एग्जाम से लेकर के, तो मैं ये कहूंगा कि आप परेशान ना हो, आपका एग्जाम जनवरी में कैसे भी हो जाना है, जनवरी के लास्ट वीक तक किसी तरह आपका एग्जाम हो जाना है, तो आप परेशान ना हो। और जल्दी ही जैसे ही टाइम टेबल आता है मैं आपके बीच फिर से आऊंगा और टाइम टेबल में सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं, तो आप परेशान ना हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं देता रहूंगा। और डेट शीट जो ही आती है मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम कौन से एग्जाम किस तरह से होंगे, उसका प्रिपरेशन भी मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। तो बोर्ड में पैनल गठन के वजह से ही देरी हो रही है, एग्जाम में जो देरी हो रही है वो पैनल के गठन के वजह से ही हो रही है। तो आपका एग्जाम लेट हो रहा है उसके लिए बोर्ड ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। और जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके बोर्ड से रिलेटेड, तो जो भी यूपी वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन है, बाकी अलग स्टेट में एग्जाम हो चुके हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे राजस्थान की, राजस्थान से भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बिहार से हैं, अलग अलग स्टेट से, हरियाणा से बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे। तो जो भी स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं उनका तो मैं बहुत ही हृदय से बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अलग अलग समय अलग अलग स्टेट से आप जुड़े हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे साझा करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपके लगातार कमेंट आते रहते हैं, कई लोग के कमेंट बुक से रिलेटेड है, कई लोग के कमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सारी चीजें एक वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, बस ये जो वीडियो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया था कि जो परेशान है एग्जाम कब तक होगा, यूपी के जो स्टूडेंट हैं और जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जिनके कॉलेज का एफिलिएशन मिला हुआ है उनको एग्जाम देना है, चाहे वो जीएनएम के स्टूडेंट हो या डी फार्मा के स्टूडेंट हो, तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑफिशियल वेबसाइट अगर जो देखते होंगे उनके लिए तो वेबसाइट पता होगा उन्हें, लेकिन जो नहीं देखते होंगे उनके लिए मैं वेबसाइट बता देता हूँ। सिंपली आपको गूगल में जा करके सर्च करना है BIMUP.org, तो ये आपके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, तो जैसे ही नोटिस आती है जो आयुर्वेद विभाग है जो नोटिस अपडेट करता है तो डायरेक्टली वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देता है, तो आपको इंतजार न करना पड़े, आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट अपने बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, आपका टाइम टेबल है, रिजल्ट वगैरह भी जो ही आपका एग्जाम खत्म होता है रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर वाइज आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी वेबसाइट से, सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। और तमाम तरह की जो भी प्रोसेस है, जैसे अगर आपको इंटर्नशिप के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी रजिस्ट्रेशन का भी काम इसी वेबसाइट से होगा। और भी जितनी भी जानकारियां आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और मेरे साथ जुड़ते रहें, और जो भी चीजें नहीं समझ में आती है आप कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपको उस कमेंट के हिसाब से आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं और जो भी समस्या हो उसका समाधान मैं अपने तरीके से आपको बता सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।